सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश का जीके। ठीक है, देखिए इस सीरीज़ को हम एक लेक्चर में नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये पार्ट डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होगी अरुणाचल प्रदेश जीके की। इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और वीडियोज़ आपकी इसमें एड ऑन होती चली जाएंगी। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगे, क्योंकि अगर आप अरुणाचल से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता ही होंगे, और नहीं बिलोंग करते हैं तो अगर आप अरुणाचल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट होता है जानना। ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स हैं। तो जितने भी बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स हैं उसको तो हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया है। अब इसके बाद अरुणाचल की हिस्ट्री की अगर स्टार्ट करें तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश आज के वक्त में क्या है, एक स्टेट है। कहाँ बिलोंग करता है, पूरी कंट्री इंडिया में से एक स्टेट है जो कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम अभी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। बेसिक आप ये मान के चलिए कि जब अरुणाचल स्टेट बना था तो उससे पहले ये आसाम का पार्ट था। ठीक है, और इसको कहते थे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, पहले एक इलाका था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसी पार्ट में से अलग करके हमने बनाया था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूटी बना था। यूटी क्या होता है, यूटी एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर आपका कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वैसे तो हम कहते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में आती है यूटी, बट हमें पता है प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा किसकी एड एंड एडवाइस पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो यूटी पे किसका रूल होता है, यानी यूनियन टेरिटरी पे किसका रूल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब देखिए, हिस्ट्री फिलोसफी ये सब हम डिस्कस करना चाहें तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है हमारे एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है। तो एग्जाम रिलेटेड ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपसे दो सवाल, देखिए जो पहली लाइन है, एक बात आप समझ के चलिए, इसमें जितनी भी लाइनें लिखी हैं सब मान के चलिए अपने आप में एक एक सवाल है। जैसे पहली जो आपका पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनता है 28 फरवरी 1987, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था उससे पहले इसको हम क्या कहते थे, यूनियन टेरिटरी कहते थे। ठीक है, तो 1972 से पहले की अगर हम बात करें तो 1972 से पहले ये किसका पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसे आप समझ सकते हैं 1972 से पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पार्ट था, और 1972 के बाद ये बनता है यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद 1987 में ये बनता है आपका स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश की जर्नी याद रहेगी, पहले हम नेफा के पार्ट थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फिर हम यूटी बने, फिर हम किसके पार्ट बने, फिर हम बने एक स्टेट। ये हमारा स्टेटस रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, आज भी हम स्टेट हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी देख लिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या था, आपका एक पोर्शन था जिसमें आसाम अरुणाचल ये सारे इलाके बिलोंग करते थे। फिर 1972 से पहले डेट याद रखना, 20 जनवरी 1972। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 20 जनवरी 1972, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और नाम क्या रखा गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये नाम इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो 20 जनवरी 1972 को एक यूनियन टेरिटरी बनती है जिसका नाम क्या पड़ा, अरुणाचल प्रदेश। और आगे चल के यही यूनियन टेरिटरी 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को क्या बनती है, स्टेट। ठीक है, यही यूनियन टेरिटरी 20 फरवरी 1987 को बनेगी स्टेट। अब देखिए, इसके लिए अमेंडमेंट पास किया गया था। ठीक है, वो कौन सा अमेंडमेंट था वो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे। मैंने पॉलिटी की क्लास में ये पढ़ा रखा है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था तो किस अमेंडमेंट से बना था। ठीक है, अब वो अमेंडमेंट 1986 में पास हुआ था, तो एक साल बाद 20 फरवरी 1986 को अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनता है। तो जब 1972 में हम यूनियन टेरिटरी बन गए तो उसके बाद एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई। यूनियन टेरिटरी के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो 15 अगस्त 1975 को अरुणाचल प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है।
और इसके फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब होते हैं? फरवरी 1978 में। और आज के टाइम में ये लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपेंड होके कितने मेंबर्स रखती है? 60 मेंबर्स। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 60 मेंबर्स। ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करके बहुत फेमस फेमस सवाल बनते हैं, जैसे कि कालिका पुराण एक बुक है। ठीक है, क्या है ये पुराण? कालिका पुराण एक बुक है, तो उस किताब में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आता है, महाभारत में डिस्कशन मिलेगा, तो इसे प्रभु माउंटेन्स भी कहते हैं, ऑफ द पुराणा पुराण जो हैं उसके प्रभु माउंटेन्स भी कहते हैं। ये इसलिए फेमस है क्योंकि सेज परशुराम ने यहाँ पर कहते हैं अपने पाप धोए थे। ठीक है, और सेज व्यास जो थे उन्होंने मेडिटेशन किया था, और किंग बिस्मार्क जो थे उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया था, और जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने अपनी कॉन्सर्ट रुक्मिणी से शादी भी की थी, यानी लॉर्ड कृष्णा की शादी भी कहाँ पर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन चार पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ के ये तीन चार पॉइंट्स आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, आपको यही करना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में लिख लेना है, ये सारे अपने आप में एक एक सवाल बन के आ जाते हैं। अगर अरुणाचल की हिस्ट्री देखें, कल्चर देखें, तो बहुत ही रिच कल्चर है यहाँ पर, और ऐसा सिर्फ कहा नहीं जाता है, ऐसा प्रूफ भी होता है। और इसका प्रूफ हमें कैसे मिलता है? जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, कहीं पर किसी लॉर्ड की मूर्ति मिल रही है, कोई हथियार मिल रहा है, इसी तरह से काफ़ी सारे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा नहीं है कि बंजर जमीन थी, लोग आते नहीं थे, लोग थे, उनका कल्चर भी था, बहुत ही रिच कल्चर था। रिच कल्चर आप कब कहते हैं? जब आपके यहाँ लोग कल्चर को मानने वाले बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश का एक और नाम है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप समझ सकते हैं कि इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पता है अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो अगर ये सन है तो सन की सनलाइट सबसे पहले किसको मिलती है? अरुणाचल प्रदेश को मिलती है, फिर बाकी बाद में जाके इंडिया की किसी और पोर्शन को मिलती है, यानी इंडिया में सनराइज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को मिल रही है, और सबसे लास्ट में किसको मिल रही है? सबसे लास्ट में गुजरात को मिल रही है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हाँ कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक बातों में ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड का दर्जा कब लेता है? 20 फरवरी 1987। कैपिटल ईटानगर। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 25। एट रिसेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मिस्टर पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं अभी करेंटली। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? जब आपके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के एक ही हाउस हो, जैसे सेंटर में अगर हम देखें तो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, दोनों का काम क्या है? कानून बनाना। तो जब भी लॉ बनाने के लिए दो हाउसेस होते हैं तो वो कहलाता है बाईकैमरल। कई स्टेट्स में भी बाईकैमरल सिस्टम है, जैसे यूपी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों का काम क्या है? कानून बनाना। तो दो हाउसेस हैं तो ये भी क्या हो गया? बाईकैमरल। बट ज्यादातर स्टेट्स में क्या है? यूनिकैमरल। लाइक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी क्या है? यूनिकैमरल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है बस, अरुणाचल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और उसमें सीट्स कितनी है? 60 सीट्स। ये सब अपने आप में सवाल बनते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? गुवाहाटी हाई कोर्ट पर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका? ये आसाम में है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या करता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के केसेस को देखता है। तो क्या अरुणाचल के लोगों को गुवाहाटी जाना पड़ेगा अपने केसेस की सुनवाई के लिए? नहीं, उन्होंने उसकी व्यवस्था कर रखी है, उसका अरेंजमेंट कर रखा है। क्या अरेंजमेंट कर रखा है? जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने अपनी एक ब्रांच कहाँ डाल रखी है? ईटानगर में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक ब्रांच ईटानगर में है, जिसे हम ईटानगर ब्रांच कहते हैं या फिर ईटानगर बेंच भी कहते हैं। ठीक है, बेंच ज़्यादा अच्छा वर्ड है लॉ के हिसाब से। तो जब भी किसी हाई कोर्ट की दूसरी जगह आप ब्रांच देखेंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे बेंच कह देते हैं। अब बिल्कुल फैक्चुअल डेटा, एरिया कितना है अरुणाचल का? 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। अभी 743 याद रहे ना रहे, बस इतना आइडिया रखिए
83,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया होता है। ठीक है, कितना एरिया होता है? 83,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब अरुणाचल का एरिया है। एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 13,82,000 यानी 13 लाख के करीब अरुणाचल की पॉपुलेशन है। और ये डेटा कब का है? ये डेटा 2011 सेंसस का है। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास 2011 सेंसस का है। इसके बाद अभी तक हमारे पास कोई सेंसस नहीं आया है। इवन 2021 में सेंसस होना था, हर 10 साल में होता है, लेकिन अभी सिचुएशन हमारी इस लाइक नहीं है। पैंडेमिक में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम आपका सेंसस करा पाएं, तो सेंसस के लिए सर्वे कराना पड़ता है, तो इसीलिए सेंसस हमारा डिले हो रहा है। वरना 2011 में सेंसस हुआ था, ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा है। तो आप ये नहीं सोचिएगा हम पुराना डेटा चिपका रहे हैं आपको, ये लेटेस्ट डेटा सेंसस का यही अवेलेबल है। और इसी को हम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट डेटा है। आप हमेशा याद रखिएगा, सरकारी एग्जाम में सरकारी डेटा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्राइवेट वाले कुछ भी करें, ठीक है, सरकारी डेटा ने अगर कोई चीज़ मेंशन कर दी है तो एग्जाम में आपको वही लिखनी है। तो इसीलिए सबसे रिलायबल डेटा कौन से होते हैं? सरकारी डेटा। इसीलिए हम लोग सरकारी डेटा को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब लिटरेसी की बात करें तो अरुणाचल की लिटरेसी 66.95% है। नेशनल एवरेज से ये कम है, ठीक है, बिलो नेशनल एवरेज है, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अरुणाचल प्रदेश में? इंग्लिश है। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा ऑफिशियली वो किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश होता है। स्टेट एनिमल मिथुन है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम बोस फ्रंटालिस। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट ट्री हॉलोम और स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड ऑर्चिड। तो ये आपको नाम याद रखने, इनके साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है। बाकी इनके जो एक्चुअल नाम है वो तो ज़रूर याद रखिएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि कभी कभी पूछ लेता है तो छोड़ दें, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सब हमने बात कर ली, लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट सिटी आपका कौन सा है? वो आपका ईटानगर वाला ही है, ठीक है। ईटानगर किस में आता है आपका? ये पूरा ईटानगर कॉम्प्लेक्स रीजन, ICRB इसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैपिटल क्या है? कैपिटल ईटानगर है। तो ये कुछ आपकी 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। ईटानगर भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो पापुम पारे में आपको क्या मिलेगा? हेडक्वार्टर UPR, ठीक है। थोड़ा सा हेडक्वार्टर का याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा हेडक्वार्टर पे फोकस रखेंगे कि पापुम पारे का हेडक्वार्टर क्या है, अंजाव का हेडक्वार्टर क्या है, चांगलांग का क्या है। इसी तरह से आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर दिमाग में रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। बाकी मैंने एक मैप भी इसमें PDF में डाल रखा है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो ये अरुणाचल का आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। थोड़ा सा आइडिया लीजिए अरुणाचल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो एक साइड तो हमें दिख रहा है भूटान, एक साइड हमें दिख रहा है चाइना, और एक साइड हमें क्या दिख रहा है? म्यांमार, ठीक है। तो अरुणाचल कह सकते हैं तीन आपका इंटरनेशनल कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, भूटान से करता है, चाइना से करता है और म्यांमार से करता है, ये बात याद रखना है। और इंडिया में किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? तो इंडिया में तो देखिए ये आपका पोर्शन है अरुणाचल का, ठीक है। तो एक साइड तो इधर आपको मिल जाएगा आसाम, ठीक है, इधर साइड क्या मिल गया? आसाम मिल गया। फिर इधर साइड आपको क्या मिलेगा? नागालैंड, ठीक है। तो इंडिया में किससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? एक साइड आपको मिल गया आसाम और एक साइड क्या मिल गया आपको? नागालैंड। तो ये दो इंडियन स्टेट्स हैं जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। ये रहा आपका ईटानगर, ठीक है, ये कैपिटल रीजन है। ये किस में पड़ता है? किस डिस्ट्रिक्ट में? पापुम पारे में, ठीक है। ये कैपिटल रीजन ICRB कहते हैं, ईटानगर कॉम्प्लेक्स रीजन, कैपिटल सॉरी, ईटानगर कैपिटल रीजन ICR कहलाता है। ये किस में पड़ रहा है? पापुम पारे में। और थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि भूटान के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो तवांग कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कामेंग कर रहा है। इस तरह के सवाल थोड़ा सा अगर उसे टिपिकल करना होगा तो इसी तरह के बना देगा। अब ये तो कॉमन सी जानकारी हो गई है ना कि
अरुणाचल किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इंडिया में किस किस स्टेट के साथ शेयर कर रहा है। अगर उसे थोड़ा सा मज़ेदार सवाल बनाना होगा तो वो क्या बना देगा कि अच्छा ये बताओ भूटान का अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप यहाँ मैप से देख सकते हैं भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर साइड तवांग है, इधर साइड क्या है बोमडिला है। अब चाइना के साथ तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो इसको तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे तवांग शेयर कर रहा है, ईस्ट कामेंग है, कुरुम कुमे है, क्रदादी है, अपर सुबानसरी, ठीक है। तो ये सब किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ। भूटान के साथ दो ही कर रहे हैं तो भूटान वाला तो ज़रूर याद रखेंगे, तवांग और वेस्ट कामेंग भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद आप नागालैंड के साथ देखिए, नागालैंड के साथ कौन शेयर कर रहा है, लॉन्गडिंग, ठीक है। लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट आपका किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नागालैंड के साथ। म्यांमार के साथ कौन कर रहा है, तो चाइना है, इधर कौन है म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ इधर आपका अंजॉ शेयर कर रहा है और कौन शेयर कर रहा है, चांगलांग शेयर कर रहा है, ठीक है। अंजॉ हो गया, चांगलांग हो गया, और फिर ये भी है आपका तिरप, तिरप कर रहा है और लॉन्गडिंग। तो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो म्यांमार के साथ कर रहे हैं, दो हैं जो भूटान के साथ कर रहे हैं, एक है जो आपका नागालैंड के साथ कर रहे हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी याद रखेंगे। तवांग एंड बोमडिला किसके साथ शेयर कर रहे हैं, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। म्यांमार के साथ कौन कर रहा है, अंजॉ, चांगलांग, तिरप और लॉन्गडिंग। और ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें तो एरिया तो हम बात कर चुके हैं, वही 83,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया में जो स्टेट्स का एरिया है, तो 14th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। और इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो सेवन सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स किसको कहते हैं हम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन सेवन सिस्टर्स की। इसमें आपका असम आता है, ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, और कोई बच रहा है इधर आपका, हाँ असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और आपका अरुणाचल है। तो ये सब सेवन सिस्टर्स में आते हैं। तो सेवन सिस्टर्स में लार्जेस्ट एरिया किसका है, वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एवरेज टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 लाख पॉपुलेशन है, ये सब हम देख चुके हैं। एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है, सब ट्रॉपिकल है। और रेनफॉल कितनी है, रेनफॉल 278.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 278.2 सेंटीमीटर, यानी ये 250 सेंटीमीटर के प्लस है। और हमने पढ़ा है जब भी 250 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल है तो वहां पर हमें कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। वहाँ का वेजिटेशन बहुत ही थिक होगा, यानी बहुत घना, बहुत ही डेंस वेजिटेशन होगा वहाँ पर। तो ये आप यहाँ से रेनफॉल से भी आइडिया लगा सकते हैं कि 278 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इट इज़ मोर देन नेशनल एवरेज, यानी पूरी इंडिया में जितनी बारिश होती है ओवरऑल उससे ज़्यादा बारिश आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, यानी यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद डैम्स की बात करें तो हाईएस्ट डैम दिबांग है, लॉन्गेस्ट डैम रंगा नदी है। अब देखिए आपको एक एफर्ट अपनी तरफ से भी करना है, आपको बताना है कि ये दोनों किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और ये डैम किस किस रिवर्स पे बनाए गए, ठीक है। तो नदियों के नाम बताने हैं और डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो हाईएस्ट डैम दिबांग डैम है और लॉन्गेस्ट डैम रंगा नदी डैम है। अब नेक्स्ट आते हैं रिवर्स के बारे में, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ 6 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इनको एक बार देख लीजिए। देखिए एक तो है सियांग, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा को ही कहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लोकली ब्रह्मपुत्रा को क्या कह देते हैं, सियांग कह देते हैं। तो इसका सोर्स क्या होगा, सोर्स वही होगा जो ब्रह्मपुत्रा का है, तिब्बत से आ रही है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर माउंटेन्स, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज तीस्ता, सुबानसरी और लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सुबानसरी क्या है, सुबानसरी एक नदी है जो वो भी आपका तिब्बत से आ रही है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सुबानसरी आपका अरुणाचल में ओरिजिन नहीं है इसका, ये कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है और ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये याद रखना है। दिबांग में अगर हम बात करें
तो ये आपका जो इंडो चाइना बॉर्डर पर किया पास है, ठीक है, कौन सा पास है, किया पास, वहां से आती है और ये भी ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाएगी। अरुणाचल की जितनी नदियां वो कहाँ जाएंगी, वो सब फाइनली जाके ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जानी है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, अरुणाचल की सारी नदियां ब्रह्मपुत्रा में ही जाके मिल जाएंगी, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसके बाद दिबांग, दिबांग भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, उसमें जाके मिलेगी। लोहित, लोहित आपका एक ज़ायलचू रेंज है, वहां से निकलती है, ज़ायल शू रेंज शायद पढ़ते हैं, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। कामेंग, ये सवाल आ जाता है कि भरेली रिवर किसे कहते थे पहले, ठीक है, पहले के टाइम पे भरेली रिवर किसे कहा जाता था, तो वो कामेंग को कहा जाता था, ठीक है। कामेंग कहाँ से निकलती, तवांग से निकलती है, ये माउंटेन्स होगा, ठीक है, गोरीचैन माउंटेन्स हैं आपके, वहां से ये निकलती है कामेंग नदी। इसके बाद एक और नदी है तिरप, इसको बरप रिवर भी कहते हैं। इसी तरह के सवाल बनेंगे इसमें से, पूछ लेगा भरेली रिवर को पहले क्या कहते थे, बरप रिवर किसे कहते हैं, तिरप को कहते हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, एक राहु गांव है वहां पर, दो माउंटेन पीक्स हैं लाजू एंड वक्का, वहां से ये आपको निकलती हुई मिलेंगी तिरप नदी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश की, तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद माउंटेन्स एंड रेंजेस की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊंचा जो पीक है वो कांगते माउंटेन है, ठीक है। कांगते ये किसका पार्ट है, ये आपका ग्रेट हिमालयास का पार्ट है, ठीक है, ग्रेट हिमालयास का। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ग्रेट है, फिर लेसर है, फिर शिवालिक है, तो ग्रेट हिमालयास का ही पार्ट पड़ता है आपके कांगते माउंटेन। इसकी हाइट भी याद रखनी, 7,090 मीटर हाइट, इंपॉर्टेंट है अरुणाचल स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए, इसकी हाइट याद रखेंगे 7,090 मीटर्स। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट कामेंग। दूसरा सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है, गोरीचैन। गोरीचैन का भी जस्ट इससे पहले भी नाम आया था, किस लिए नाम आया था, कामेंग नदी के लिए, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कामेंग नदी। फिर इसके बाद तपकसिरी, फिर दोफाबुम, लालीमोदी, टैली वैली, मयूदी, ठीक है। और कुछ याद रहे ना रहे, इन दो को जरूर याद रखेंगे, कांगते और गोरीचैन। गोरीचैन कहाँ पर है आपका, तवांग में। हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 6,858 मीटर्स है, बस थोड़ा ही हाइट बढ़ने से ये कांगते की हाइट हाइएस्ट हो जाती है अरुणाचल, ठीक है। तो ये दोनों ही काफ़ी हाई माउंटेन्स है, तो इसीलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद मिनरल से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं कि अरुणाचल में बताइए कोला कहाँ कहाँ मिलता है। तो अरुणाचल में दो जगह हैं, एक नामचिक नामफोक, एक भालुकपोंग, ठीक है, ये याद रखना है, नामचिक नामफोक और भालुकपोंग, ये फेमस हैं कोयले के लिए, डोलोमाइट के लिए, रूपा कस्पी, लाइमस्टोन के लिए, ये चूना पत्थर है, इसी से फिर आगे चल के मार्बल बन जाता है, टाइडिंग तिदिंग सॉरी पगेन हुनली मेंगा, यहाँ पर आपको लाइमस्टोन मिलेगा। ग्रेफाइट कहाँ पे मिलेगा, बोपी, तबरी, तबरी और तलिहा। मार्बल कहाँ मिलेगा, तेजू, दोरा, हुनली, प्योली। लेड एंड जिंक, शेरगांव। ऑयल एंड गैस कहाँ पर मिलेगा, ये खारसांग एंड दियोन, ठीक है। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको ये मिनरल्स मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कोल है आपका और मार्बल है और लेड एंड जिंक है, ठीक है, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पहले ये तीन कर लीजिए, ये याद हो जाए, तो इसके बाद धीरे धीरे इनको भी निपटा लेना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग देखिए अरुणाचल से बिलोंग करते होंगे, तो आपको ये नाम्स में ज़्यादा फैमिलियरिटी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अरुणाचल जीके से आपको घबराना है, इवन ये मान के चलना है कि ये पार्ट में आपको सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं देखना है, क्योंकि ये आप ही के इलाके की चीज़ें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट आपको क्या करना है, उनको एक जगह लिख कर नोट्स में लेके आना है, ताकि एग्जाम से पहले आप वो चीज़ें कभी भी भूले नहीं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, हमारे लोकल की चीज़ होती है लेकिन हमें याद नहीं आती, लेकिन हमें उनको भूलना नहीं है, हमें उनको एग्जाम में करके आना है। तो इसीलिए इन सबको आप प्रॉपर कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखने के साथ साथ इनको बार बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये ओस एंड मिनरल्स तक ही कर रहे हैं, इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे वन बाय वन छोटे छोटे आपके लेक्चर्स बनाते रहेंगे, जिसमें आप अरुणाचल का जीके कंप्लीट कर सकें। और जो भी मैंने आपसे कहा है, कमेंट सेक्शन में इनके नाम मेंशन करिए, वो ज़रूर मेंशन करिएगा, वो कहीं ना कहीं आप ही को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।